हेलो, वेलकम टू अरविंद सिंह एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर वेल। एंड दिस वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, एंड दिस इज वीडियो लेक्चर नंबर 10। आई होप यू हैव ऑलरेडी वॉच पार्ट 1 टू पार्ट 9 बिफोर वॉचिंग दिस पार्ट 10। सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फिश प्रोडक्शन। सो लेट मी राइट फ्यू पॉइंट्स अबाउट द फिश प्रोडक्शन। सो फिश प्रोडक्शन वी आर गोइंग टू डिस्कस टूडे अबाउट द फिश प्रोडक्शन एंड fish production. So fish is a good source of protein. It is a protein rich food which can be obtained from fine true fish or shellfish. So fish productions, this fish can includes two type of things. One is true fish and shellfish. सो बेसिकली ट्रू फिश और सेल्फिश क्या है ये पहले समझ लें। दो कैटेगरीज की, ट्रू फिश एंड सेल्फिश। सेल्फिश क्या होता है? ट्रू फिश आर लाइक रोहू, कतला, रोहू, दीज आर ट्रू फिश एटसेट्रा। एंड सेल्फिश आर लाइक प्रॉन्स, मोलस्क एटसेट्रा। ये सेल्फिश होते हैं, ये सेल के अंदर बंधे होते हैं। ये मोलस्क घोंघा कहते हैं इसको, घोंघा भी कहते हैं इसको। इसका ये सेल होता है बाहर एक, और उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट का एक सेल होता है इनके ऊपर जो बना होता है, और अंदर में ये होते हैं अपने को छुपा के रखते हैं। तो ये प्रॉन्स होते हैं, और प्रॉन्स तो मोलस्क, एंड प्रॉन्स तो आप समझते हैं इसको कहते हैं झींगा। तो ये दो तरह के होते हैं, रोहू कतला, ये सब ट्रू फिश है, और ये जो है सेल फिश है। ये एक सेल के अंदर बंधे रहते हैं, अपने आप को छुपा के रखते हैं, बाहर का एक सेल होता है, और यहाँ से हमें प्रोटीन मिलती है। तो हाई प्रोटीन सोर्सेज है, इट इज ए चीपर सोर्स ऑफ प्रोटीन। इट इज अ चीपर सोर्स ऑफ प्रोटीन, cheaper source of animal protein, ठीक है। तो ये दो तरह से एनिमल प्रोटीन, cheaper source of animal protein, got it? So fish can be obtained in two ways. One is culture fishery and capture fishery. So fish can be obtained, fish production, can be of two types. One is culture fishery, and capture fishery. Culture fishery and capture fishery. Culture, that is fish is obtained. This is obtained from farming. And capture fishery, fish is obtained from here. Fish is obtained from natural resources, natural resources like a pond, lake, river, marine, etc. ये सबसे हम कैप्चर करते हैं, यहाँ से नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, यहाँ से हम फिश की कैप्चर करते हैं, जैसे ये लोग कैप्चर कर रहे हैं।
यूजिंग बाई फिशिंग बोट्स नेट्स एक्सेट्रा, ये सब कैसे करते हैं, बाई फिशिंग बोट्स, फिशिंग बोट्स है ना, और नेट, नेट फिशिंग ये भी होता है। इस तरह से हम लोग इस तरह से फिश कैप्चर करते हैं। और ये कल्चर फिशिंग क्या होता है, इसमें जो होता है वो फिश को हम लोग कल्चर करते हैं, फार्मिंग करते हैं। फिश सीड्स आर एक्युमुलेटेड इन अ पर्टिकुलर एरिया, इट कैन बी आल्सो फ्रॉम मेरिन, पर्टिकुलर एरिया फ्रॉम मेरिन लेक पॉन्ड यू नो सो दिस आर एटसेट्रा। ये भी होता है क्लोज जो होती है इनलैंड एरिया होती है, और इसमें हम फिश की कल्चर करते हैं बेसिकली, ठीक है, चाहे वो सी का भी एरिया हो या किसी मेरिन फिशरीज में भी, तो एरिया को हम क्लोज कर लेते हैं और उसमें सीड डालते हैं, उसमें फूड डालते हैं, उसमें न्यूट्रिशन डालते हैं, और धीरे धीरे उसको ग्रोन अप जब हो जाते हैं तो वहां से हम फिश कल्चर करते हैं, और इस तरह की फार्मिंग होती है, तो फिश फार्मिंग होती है बेसिकली, ठीक है। तो इस प्रकार से फिश जो होता है वो दो तरह के हम फिश कैटेगराइज कर सकते हैं, एक मेरिन फिशरीज और दूसरा इनलैंड फिशरीज और फ्रेश वाटर फिशरीज। सो मेरिन फिशरीज क्या है, आप सबसे पहले इसकी बात करते हैं, मेरिन फिशरीज, फिशरीज ये क्या है, मेरिन फिशरीज, वी नो इंडिया हैज 7,500 किलोमीटर कोस्ट लाइन, इंडिया हैज 7,500 किलोमीटर कोस्ट लाइन विच इज वेरी यूजफुल एरिया of fishing. Apart from this, deep sea is the good school of fishing. Good school of fishing means the area, particular area where generally fish live in. And कैसे ये एरिया पता करते हैं, दैट एरिया कैन बी ऑब्टेन्ड, द टाइप ऑफ एरिया, द एरिया इज सर्च बाय यूजिंग सैटेलाइट्स, सर्च बाय यूजिंग सैटेलाइट्स, satellites, echo sounds, etc. ये सब हम इस एरिया से पता कर सकते हैं कि ये कैसे, ये कहाँ पे है ये एरिया, और कहाँ पे फिश मिलती है डीप सी में, क्योंकि डीप सी में जाकर के इतना आसान नहीं होता, तो इस सब टेक्निक की वजह से, ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है इसकी वजह से हम पता कर पाते हैं कि कहाँ कहाँ ये है। तो कुछ पॉपुलर जो फिश है वो क्या है, वो उसमें से कुछ पॉपुलर जो मेरिन फिश होती हैं, जिनके नाम हम ले सकते हैं यहाँ पे, दीजार टूना सेंडरीन, बॉम्बे डक sardines, pomfret, you know, etc. तो ये सब जो है पॉपुलर सी फिश है, और इसको पकड़ने के लिए हम लोग जनरली जो है वो इस तरह के साउंड का इस्तेमाल करते हैं, इको साउंड का या सेटेलाइट का इस्तेमाल करते हैं, और वहां पता चल जाता है कि वो सारा फिश है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पकड़ते हैं, कैप्चर करते हैं। तो कैप्चर कर सकते हैं, कल्चर कर सकते हैं। ये कुछ सी फिश है जो, जिसकी फिगर देख रहे हैं, ये बेसिकली कलरफुल होती है, सी फिश बेसिकली कलरफुल होती है, और इनलैंड फिश जो होता है वो इतना कलरफुल नहीं होता,
थोड़ा डर्टी टाइप का होता है। जैसे यहाँ पे प्रॉन्स की भी बात कर ले तो ये जो है ये प्रॉन्स मेरिन प्रॉन्स है, ये है मेरिन प्रॉन्स प्रॉन्स, ठीक है। और ये है इनलैंड प्रॉन्स, ये है इनलैंड प्रॉन्स जिसको फ्रेश वाटर प्रॉन्स कहते हैं, ठीक है। अब इसका ये जो वैरायटी है मेरिन प्रॉन्स का, ये पीनियस मुंडन होता है, ये आप लिख सकते हैं पीनियस पीनियस मोनोडोन मोनोडोन्स ये होते हैं पीनियस मोनोडोन्स। ये जो प्रॉन्स हैं इनकी वैरायटी है जो मेरिन प्रॉन्स होते हैं वो है पीनियस मोनोडोन। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं क्या, सॉरी राइट ओके सर, ये भी थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ शायद अच्छा दिखे। सो फिशिंग दूसरा होता है इनलैंड, इनलैंड फिशरीज, इनलैंड फिशरीज और इनलैंड फिशरीज और फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर फिशरीज फिशरीज, ठीक है। ये क्या होता है इनलैंड फिशरीज और फ्रेश वाटर फिशरीज क्या होता है? फ्रेश वाटर मीन्स कैनाल पॉन्ड रिवर रिजर्वायर्स रिजर्वायर्स। ये सब जो होते हैं ये फ्रेश वाटर होते हैं, ब्रैकिश वाटर ब्रैकिश ब्रैकिश वाटर ब्रैकिश वाटर। ब्रैकिश वाटर क्या होता है इंग्लैंड में, और ब्रैकिश वाटर भी होता है, ये दो तरह के होते हैं। ब्रैकिश वाटर क्या है, वेयर सी वाटर वेयर सी वाटर एंड फ्रेश वाटर मिक्स टूगेदर, एंड वेयर सी वाटर एंड फ्रेश वाटर मिक्स टूगेदर, वेयर सी वाटर एंड फ्रेश वाटर मिक्स टूगेदर दैट इज कॉल्ड ब्रैकिश वाटर। तो ये जो होते हैं ये दो तरह से, ये फ्रेश वाटर में भी फिशरी होती है, रिजर्वायर्स में होती है, और दूसरा रिजर्वायर्स फ्रेश वाटर यानी कैनाल पॉन्ड रिवर्स और रिजर्वायर्स और ब्रैकिश वाटर, ये जो दो एरिया है यहाँ पे हम फिशिंग कर सकते हैं। अब फिशिंग टेक्निक क्या होती है, तो फिशिंग टेक्निक जो होती है, फिशिंग टेक्निक कहीं पे भी हो, फिश को पकड़ने का तरीका होता है टेक्निक्स, या तो फिशिंग बोट होती है, फिशिंग बोट और फिशिंग नेट, ये दो तरीका है जिससे हम पकड़ते हैं। तो इनलैंड फिशरीज ये दो तरह से हम इनलैंड फ्रेश वाटर में जो फिश है उनको भी पकड़ने का ही तरीका है, यही तरीका हम मेरीन फिश के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अब ये जहां मिलते हैं सी वाटर और फ्रेश वाटर, इसको कहते हैं, ये दो तरह की चीजें होती है श्यूरीज और लैगून्स, लैगून्स एस्चुरीज एंड लैगून्स, ये जो होता है लैगून्स, ये बेसिकली दो ब्रैकिश वाटर जहां पे मिलते हैं उस एरिया को एस्चुरीज या लैगून्स कहते हैं, और ये एक स्पेसिफिक एरिया होता है जहां पे ब्रैकिश वाटर की बात करते हैं, और वहां पे फिश का बहुत बड़ा सेंटर होता है, ठीक है। कंपोजिट फिश कल्चर, कंपोजिट फिश कल्चर ये क्या होता है, ये एक ऐसा फिशिंग प्रैक्टिस है जिसमें कि क्रॉप जो पैडी क्रॉप्स होता है उसी के अंदर हम फिशिंग करते हैं। तो यहाँ पे फिशिंग एंड
एग्रीकल्चर बोथ आर टुगेदर, देयरफॉर दे आर कॉल्ड कंपोजिट फेज कल्चर. व्हेन पैडी क्रॉप्स क्रॉप्स एंड फिश प्रोडक्शन, फार्मिंग ऑफ फिश प्रोडक्शंस, फिश प्रोडक्शन आर आर टुगेदर टुगेदर, देन दैट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज, टाइप of agriculture practices, that type of agricultural practices called composite fish products, composite fish products, fish products. ठीक है, इसमें जो होता है ये जो अलग अलग तरह की फिश होती हैं, और ये सारी फिश जो है जैसे कतला फिश को आप देख रहे हैं, ये कतला फिश है. देन देयर इज ए रोहू फिश, कॉमन कार्प, मृगाल कार्प फिश एंड सिल्वर कार्प एंड ग्रास कार्प. ये सब जो होता है ये अलग अलग लेवल पे, अलग अलग वाटर लेवल पे ये सब इनके फूड सोर्सेज होते हैं, और इनकी फूड प्रैक्टिसेज भी डिफरेंट डिफरेंट है. तो इसलिए इनको हम ग्रो कराते हैं पैडी क्रॉप्स के अंदर, ताकि ये अलग अलग लेवल पे ये अलग अलग तरीके से अपनी फूड को सर्च कर सके, और इनमें आपस में कंपटीटर नहीं होते. ये आपस में कंपटीट नहीं होते कि एक ही फूड के लिए सब तड़प रहे हैं. जैसे आदमी है और जानवर है, इन दोनों के फूड अलग अलग है, एक दूसरे के इस तरह के कंपटीटर नहीं है कि आप घास छीन के जानवरों से नहीं खा सकते. उसी तरीके से इनके भी फूड प्रैक्टिसेस जो है वो अलग अलग है, और ये अलग अलग तरह के फूड खाते हैं, इसलिए इनमें आपस में कंपटीशन नहीं होता. तो ये बहुत इंटेंसिव फार्मिंग होती है, क्योंकि पैडी क्रॉप्स के अंदर वाटर हमेशा चाहिए. अब इसकी एक चैलेंजेस भी है, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी है कंपोजिट फिश कल्चर की. ऑल्दो इट इज ए वेरी गुड प्रैक्टिस, बट स्टिल देयर इज ए कंडीशनल. पैडी क्रॉप्स कोई सालों भर तो हो नहीं सकती, इसको तो कुछ लिमिटेड पीरियड होता है, तो उसी पीरियड के अंदर ये फिश को भी आपको प्रोड्यूस प्रोड्यूस करना है, प्रोडक्शन करना है. फिश प्रोडक्शन उसके बाद नहीं हो सकती, तो एक लिमिटेड टाइम बाउंड होती है. इसलिए इसमें दोनों वैरायटी का इस्तेमाल किया जाता है, इंडियन वैरायटी और फॉरेन या एक्जोटिक वैरायटी, उन दोनों के ब्रीड को इसमें कल्चर किया जाता है. और इस तरीके से फिश प्रोडक्शन के कुछ एडवांटेजेज और डिसएडवांटेजेज हैं. तो हम सबसे पहले एडवांटेजेज की बात करते हैं कि व्हाट इज एडवांटेजेज, एडवांटेजेज ऑफ कंपोजिट फिश कल्चर, राइट. तो सबसे पहला एडवांटेज क्या है वो लिखते हैं. हियर वी कैन ग्रो अप, हियर फाइव फर्स्ट पॉइंट इज फाइव एंड सिक्स, फाइव और सिक्स टाइप ऑफ डिफरेंट, फाइव और सिक्स टाइप, सिक्स डिफरेंट टाइप ऑफ, डिफरेंट टाइप ऑफ, डिफरेंट स्पीसीज ऑफ, इसे डिफरेंट स्पीसीज ऑफ फिश, species of fish are selected for composite fish farming, composite fish farming, farming, right, because they have different food habits. Second point, since they have different food habits, so they do not compete for food, compete each other for food, compete each other, each other for food resources, resources, right. Third,
since they have different food, since they have different food habits, different food habits, so different food habits, therefore all the food supplied are consumed by one or other. ठीक है, तो इस मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो गई राइट ना, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ व्हाट, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फूड रिसोर्सेज। तो ये हो गया कि एक या दूसरा कोई ना कोई खा ही लेगा, तो अलग अलग फूड हैबिट होने की वजह से ये सब होता है। अब इसमें क्या होता है कि बोथ इंडियन एंड इम्पोर्टेड टाइप ऑफ फिश आर यूज्ड फॉर कंपोजिट फिश कल्चर, इंडियन और इम्पोर्टेड, बोथ इंडियन और एंड इम्पोर्टेड फिश आर यूज्ड, दोनों तरह के यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, the fish yield is high from the pond. Fish yield is high from the pond. हाई, ये कह सकते हैं। कैसे? अब इसमें अलग अलग हम चुने फिश को, तो हर एक फिश की अलग अलग फूड हैबिट है, अलग अलग एरिया ऑफ लिविंग भी है। ऐसा नहीं है कि सब एक ही जगह से रहते हैं। कुछ जो है एकदम बॉटम में रहना पसंद करते हैं, कुछ फिश जो है एकदम सरफेस पे कल्चर होता है उनका और वो ग्रो करते हैं और वहीं पे रहते हैं। तो इस तरीके से फॉर एग्जाम्पल हम बात करें अगर, तो कातला जो फिश है ये सरफेस फीडर है, ये सरफेस फीडर फिश। रोहू जो होता है वो मिडिल में होता है, रोहू इज ए मिडिल फीडर। इसका जो खाना होता है वो होता है मिडिल लेयर पे, बहुत डीप में नहीं, बहुत सरफेस पे नहीं, मिडिल लेवल पे इसका होता है। तो कातला इज ए सरफेस फीडर, रोहू इज अ मिडिल फीडर, यू नो, इस तरीके से रोहू इज ए मिडिल फीडर, सॉरी बार बार ये चीज लिखा रहा है, रोहू इज ए मिडिल फीडर फिश। मृगाल एंड सिल्वर कार्प आर बॉटम फीडर्स। मृगाल एंड सिल्वर कार्प आर बॉटम फीडर्स। ठीक है, तो ये अलग अलग जोन में अगर अलग अलग लोग फीडिंग करते हैं तो इसमें आपस में कंपटीशन भी नहीं होता, और इसी में फिर अलग तरीके का ये जो फीडर्स है, कुछ जो है वो जो है वो एक्वेटिक प्लांट को भी फीड करते हैं, कुछ फिश जो है वो फिश को ही फीड करते हैं या दूसरे ऑर्गेनिजम्स को फीड करते हैं, उनके फूड रिसोर्सेज अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रास कार्प जो होते हैं वो फीड्स ऑन इक्वेटिक प्लांट्स। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग जो है सबकी अलग अलग जो क्राइटेरिया है वो है बेसिकली हमारे काम का, और हम इसमें ये देखते हैं कि अलग अलग तरह के फिश को कल्चर करने से अलग अलग तरह का फूड जो है उनको चाहिए, अलग अलग एरिया है जहां वो रह सकते हैं, तो इसलिए आपस में इसमें कंपटीशन नहीं होता, ये इसके एडवांटेजेज है और इससे बहुत फिश प्रोडक्शन में फायदा होता है। ठीक है।
अब इसके डिसएडवांटेजेज भी हैं, जैसा कि हमने कहा था अगर एडवांटेजेज हैं तो डिसएडवांटेजेज भी होंगे, है ना। तो ये डिसएडवांटेजेज क्या है? पहली डिसएडवांटेजेज है कि इट कैन बी कल्चर्ड, कैन बी कल्चर्ड ड्यूरिंग मानसून ओनली, ड्यूरिंग मानसून ओनली, मानसून ओनली, ड्यूरिंग मानसून ओनली ओनली। सेकेंड, सो टाइम पीरियड इज बाउंडेड, टाइम पीरियड इज बाउंडेड, लैक ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स, गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स, ठीक है। एंड द थर्ड इज टू ओवरकम दिस, फिश आर ब्रीड, आर ब्रीड बिकॉज ऑफ दिस विथ इन हार्मोनल स्टिमुलेशन, हार्मोनल स्टिमुलेशन, स्टिमुलेशन, ये इसकी ड्रॉबैक है कि टाइम कम होता है, आपको जल्दी से प्रोड्यूस करना है तो हार्मोनल स्टिमुलेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है, ये इसकी डिमेरिट्स है, डिसएडवांटेजेस है। अब अगला जो टॉपिक है वो है बी को कीपिंग, इस पे अब हम बात करते हैं कि बी कीपिंग क्या है और इसके अंदर हम क्या क्या बात करने वाले हैं। तो बी कीपिंग, बी कीपिंग ये क्या है? दिस इज द प्रैक्टिसेज इन विच फार्मिंग बी फॉर द पर्पस ऑफ, पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग, ऑब्टेनिंग हनी, वैक्स एटसेट्रा फ्रॉम बी, दैट इज कॉल्ड बी कीपिंग, यू नो। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एपीकल्चर, एपीकल्चर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एपीकल्चर, दैट इज द प्रैक्टिसेज ऑफ, प्रैक्टिसेज ऑफ, लेट मी राइट, द प्रैक्टिसेज ऑफ रियरिंग, रियरिंग, केयरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ हनी बी, हनी बी फॉर ऑब्टेनिंग, ऑब्टेनिंग हनी एंड वैक्स फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन, फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन, लेट मी राइट नेक्स्ट, फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन, फॉर कमर्शियल, कमर्शियल प्रोडक्शन अ लार्ज फार्म, लार्ज, लार्ज फार्म कॉल्ड बी फार्म, फार्म आर कल्चर्ड, राइट ना। सो व्हाट इज द एडवांटेजेज ऑफ बी कीपिंग? एडवांटेजेज ऑफ बी कीपिंग आर, इट नीड लो इन्वेस्टमेंट, low investment, right, high income, right na, no need of much care, much care, so you can, even one man can take care of more than 100 100 square meter, even it gives additional income,
एडिशनल इनकम टू फार्मर्स, इनकम टू फार्मर्स बिकॉज दे कैन यूज इट एज साइड बिजनेस, ठीक है ना। तो ये सब चीजें इसके एडवांटेजेस हैं, और इसका फायदा ये है कि यूज कहाँ होता है, तो हनी का यूज कहाँ कहाँ यूजेज होती है। तो पहला है कि फूड में यूज होता है, हनी कैन बी यूज इन फूड, ठीक है। सो हनी कैन बी यूज इन फूड एंड मेडिसिन, लेट मी राइट हियर, हनी कैन बी यूज्ड इन फूड एंड मेडिसिन, मेडिसिन वैक्स कैन बी यूज फॉर, कैन बी यूज फॉर मेडिसिनल प्रिपरेशन, मेडिसिनल प्रिपरेशन एंड अदर यूज आर ऑल्सो, एंड अदर यूज ऑफ वैक्स इन प्रिपरेशन ऑफ अ स्टैचू, कैंडल एटसेट्रा, राइट ना। ठीक है, तो ये सारी यूज होती है। फॉर हाई प्रोडक्शन वी यूज इटालियन बी, एंड देयर आर सम एडवांटेजेस ऑफ इटालियन बी, सो वी कैन राइट सम एडवांटेजेस, एडवांटेजेस ऑफ इटालियन बी, इटालियन बी, इटालियन बी, राइट, एडवांटेजेस ऑफ इटालियन बी। They are stingless, stingless, यानी डंक नहीं मारते, and they have high yield production, have high yield production of honey, right? तीसरा जो फायदा है इटालियन बी का, they can stay they can stay for longer period of time on their beehives and can breed well, can breed well। तो ये फायदे हैं इटालियन बी के, इसलिए इटालियन बी का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, हाइल प्रोडक्शन के लिए इटालियन बी का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। इस तरीके का ये हमारा जो पूरा का पूरा है, ये बात हम सीख। एंड टेस्ट ऑफ हनी डिपेंड्स ऑन द फ्लावर्स अवेलेबल, राइट ना। सो टेस्ट डिपेंड्स ऑन फ्लावर एंड वैल्यू डिपेंड्स ऑन द पोस्चर एंड मार्केटिंग एंड ऑल द क्वालिटी ऑफ हनी। So that's all about this improvement in food resources. I hope you got enjoyed this, and definitely you will understood that what the type of improvement can be done for enrichment of our food resources. Thank you very much for watching, and if you have any doubt you can ask, right, and mail us at our email ID arvindsingh@gmail.com. thank you very much. God bless, keep watching, and don't forget to subscribe our channel as well. Thank you.